वर्ग का की प्रगति कैसे होगी? जो देश को चला रहे हैं उसमें आपका एक आदमी नहीं है। अच्छा, ओबीसी की बात की, आदिवासियों की बात करता हूं। अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए ओबीसी वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, आदिवासी वर्ग के अफसर सिर्फ 0.1%। मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं, तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल के कितने, और इन लोगों को, इन वर्गों को हिंदुस्तान को चलाने में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है? सरल सा सवाल है। अगर इस देश में 50% ओबीसी है तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए, सही या गलत? 50% भागीदारी होनी चाहिए। अगर आदिवासी 14-15-16% है तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और फिर मैंने थोड़ा पता लगाने की कोशिश की, यहां जो ओबीसी वर्ग के युवा हैं, आप सब ने एक दिन सपना देखा होगा, दलित आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने सपना देखा होगा कि भाई मैं एक दिन आईएएस के लिए काम करना चाहता हूं। सपना देखा, देखा ना? ये देखो हाथ उठा रहे हैं। हर युवा कहता है मैं आईएएस के लिए काम करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार को आईएएस अफसर चलाते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी एमएलए सरकार को चलाते हैं, गलतफहमी में हो। मैंने सरकारों को अंदर से देखा है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी मिलकर 90 अफसरों के साथ इस देश को चलाते हैं। कैसे? हिंदुस्तान का जो बजट है, जो धन है, उसको ये 90 अफसर बांटते हैं। बजट में सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। बजट में वायुसेना को, सेना को, नेवी को कितना मिलेगा? 90 अफसर। आदिवासियों को शिक्षा के लिए कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। ओबीसी युवाओं को कितने लोन मिलेंगे, कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। सारा का सारा का सारा बजट जो बढ़ता है, ये 90 अफसर इसको बांटते हैं। तो मैंने सवाल अपने आप से पूछा कि भैया इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार है। भाइयों और बहनों, आप मुझे बता दो, 90 अफसरों में से जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, ओबीसी कितने हैं? कोई नहीं बता पा रहा। चलो उससे पहले, हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी? देखो किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी, किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं उसमें ओबीसी कितने, किसी को नहीं मालूम। अच्छा भैया ये बता दो,
हमारा जो बजट है लाखों करोड़ रुपए का, उसमें ओबीसी अफसर कितना निर्णय लेते हैं कोई नहीं बता पा रहा। सन्नाटा है, मैं बताता हूं, 90 अफसर में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हो तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर 90 में से 3 अफसर निर्णय ले रहे हैं और ओबीसी वर्ग सिर्फ बजट के 5% पर निर्णय ले रहा है, तो आप मुझे समझा दो कि ओबीसी वर्ग के शिक्षा के पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे। आप मुझे समझा दो ओबीसी वर्ग का कि प्रगति कैसे होगी। जो देश को चला रहे हैं उसमें आपका एक आदमी नहीं है। अच्छा, ओबीसी की बात की, आदिवासियों की बात करता हूं। अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए ओबीसी वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, आदिवासी वर्ग के अफसर सिर्फ 0.1% डिसीजन लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हुआ तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। अब जैसे ही मुझे यह बात समझ आई, मैंने इलाज निकाला। मैंने कहा देखिए, सबसे पहला कदम यह है कि इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने,